सरकार इतना किसानों का दिक्कत कर रहा है, ये दिक्कत इसके लिए हो रहा है, हमारा किसान मोर्चे का कुछ भी ये परिहार नहीं दे रहा है। ये मोदी ने पानी पीने का भी टैक्स लगाता है और सांस लेने का भी टैक्स लगाता है। मेन बॉर्डर से नहीं आए, गांव में से निकल के आए हैं, मेन बॉर्डर बंद है। समझना चाहिए ये सरकार को, ये सरकार को नहीं चले तो हिंदुस्तान बर्न करने के लिए हम तैयार है। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में। जिस तरीके से जो किसान जो है रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं और हर राज्य से आए हैं, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर राज्य के किसान यहाँ पे जो है रामलीला मैदान में मौजूद है। इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कितनी दिक्कतें हुई हैं आपको यहाँ पे आने में? हम लोग कम से कम 32 आवर लगे हैं। हम लोग कर्नाटक से कलबुर्गी से आया हुआ है। हम लोग कम से कम इधर से कलबुर्गी से 25 आदमी आया हुआ है। इधर दिल्ली में ये हमारा किसान मोर्चे का संयुक्त किसान मोर्चे के लिए हम लोग कर्नाटक का में राज्य अध्यक्ष है हमारा बड़गलपुर नागेंद्र और उसका नेतृत्व में हुआ है। ये हमारा किसान मोर्चे का इतना ये सरकार इतना किसानों का दिक्कत कर रहा है, ये दिक्कत इसके लिए हो रहा है, हमारा किसान मोर्चे का कुछ भी ये परिहार नहीं दे रहा है। इसका वजह से हम लोग कर्नाटक से हर जिला से कम हम लोग 2000 कर्नाटक से दिल्ली में आया हुआ है। हम लोग कलबुर्गी से 25 आदमी आया है। ये हमारा ये सरकार को ये पूछना जाता है, हम ये किसानों के लिए ये हमारा ये एक एकड़े को 24,000 रुपये खर्चा हो रहा है। इस साल में बारिश नहीं आया हुआ है। एक किसानों का बंदर लोग पूरा हर स्टेट में काम करने के लिए जा रहा है। ये कम से कम ये रुकना चाहिए, समझना चाहिए ये सरकार को, ये सरकार को नहीं चले तो हम लोग पूरा हिंदुस्तान में हम लोग लड़ेंगे, हिंदुस्तान बर्न करने के लिए हम तैयार है। हम लोग को भी लेकिन जो है मोदी जी कह रहे हैं कि जितनी भी गारंटियां लाए थे वो किसानों के लिए, जितनी भी योजनाएं लाए थे सब सफल हुई है, सबने लाभ उठाया है उसका। ये मोदी जी कर रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। किसानों के लिए एक भी नहीं कर रहा है। ये 15 लाख रुपए देता है करके गया 10 साल पहले ही बोला था, एक रुपए भी एक युवक को किसानों को भी नहीं मिला है। ये झूठ बोलते सरकार चला रहा है। इस बार बीजेपी सरकार एमपी में नहीं आता है, ये देश में नहीं आता है। किसानों उसको कम से कम याद होना था क्या है ये किसानों के लिए, हम क्या करें, क्या किया, वो उसको समझना चाहिए। ये इसका ये जो कर रहा है ये किसानों का कम से कम 2 साल पहले ये दिल्ली में 750 किसान मरे हुआ है। वो किसान एक किसानों को हम लोग 50 लाख रुपए देने के लिए हम लोग दूसरा किसान आंदोलन आपने जो शुरू करा है, इसमें भी तो किसानों की शहीदी हुई है। इस ये पूरी के पूरा किसानों का शहीदी है, ये पूरा देश में ये हो गया है। हमारा कर्नाटक में हम लोग पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जो कह रहा है ये स्वामीनाथन वर्दी वो हमारे को नहीं मिला है। जब तक वो स्वामीनाथन वर्दी कम से कम आए तो किसानों को जरा होता है। कहाँ से आए? कर्नाटक से, गुलबर्गा। जिस तरीके से आपकी एक मांग में लखीमपुर खीरी की भी मांग थी कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो है किसानों को रौन दिया गया था कार से, तो उसका भी न्याय मिले, उसकी भी एक मांग को लेके थे ना आप लोग? नहीं, कोई किसान को नहीं रुकाया। हम लोग आए यहाँ पर जो मैदान में चल रहा है ना, जो दिल्ली में चल रहा है ना, किसानों को तकलीफ देख के हम कर्नाटक से आए। वो किसानों को सही देना है, जो देना है अधिकार देना है। ये मोदी ने पानी पीने का भी टैक्स लगाता है और सांस लेने का भी टैक्स लगाता है। ये दूसरा टैक्स से जनता के लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए कुछ नहीं काम करते। हर अकाउंट में 15 लाख गिर गया 8 साल में, जीते जब से गिरा हो, कौन सा जेब में गिरा है बता बोलो उसको, कौन सा इतना किसान मेरे तो भी कुछ नहीं किया हो। अभी दिक्कत है तो हमारा किसान का, किसान करे तो ये लोगों 4 दिन जीते है। सर आप कहाँ से आए? हम तो बिहार से आए हैं। आप बिहार से आए हैं यहाँ पे? हम बिहार से आए हैं। हम लोग का पहला मांग है कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए,
किसानों का कर्जा माफ किया जाए। बिहार सरकार से भी हमारा मांग है कि कर्जा माफ कर तो दिया है कह रहे हैं। कर्जा माफ, किसानों को लाखों लाख कर्जा है तो कर्जा माफ नहीं करेगी सरकार। किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं, अपने बच्चों को कर्ज के अलावा शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो सरकार का फर्ज बनता है किसानों का कर्जा माफ करें। और हम लोगों बिहार सरकार से भी एक मांग है, खेती के लिए बिजली फ्री दो, खेतों के सिंचाई करने के लिए बिजली फ्री दो, पंखा चलाने और बल्ब जलाने के लिए नहीं, हम अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए राज्य सरकार से बिजली फ्री मांग रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप, यहाँ पे मौजूद हैं और कह रहे हैं सब लोग कि यहाँ पे जो आप लोगों के आने से पहले सीवर का पानी यहाँ पे छोड़ दिया गया है। हाँ तो ये गलत बात है, यह मतलब कि यहाँ पे साफ सफाई करनी चाहिए थी, यह मतलब कि किसानों को परेशानी ना होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से किसान जो है मौजूद है रामलीला मैदान में, हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप लोगों को, आने से पहले ही जो है यहाँ पे सीवर का पानी छोड़ दिया गया कहा जा रहा है। पहले ही छोड़ा हुआ है, पहले से ही छोड़ा हुआ सीवर का पानी, तो मतलब ये लोग अभी भी चाहते हैं कि आप लोग जो है दिल्ली ना आ पाए। कैसे? अभी भी आप लोगों को दिल्ली आने में कितनी तकलीफें हुई हैं? नहीं, हमें दिल्ली आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। आप लोगों को आने दिया, पुलिस ने कोई रोका टोकी नहीं की? किसी ने कहीं भी नहीं रोका, कहीं भी नहीं रोका है, सीधे आप आए हैं। आप कहाँ से हैं? लेकिन मेन बॉर्डर से नहीं आए, गांव में से निकल के आए हैं। गांव में मेन बॉर्डर बंद है, मेन बॉर्डर पहले से ही बंद कर दिया। हाँ, चोरीचपोरी गांव में से निकल के आए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सीधे तौर पे किसानों से बात करी है तो ये लोग कह रहे हैं कि जो मेन बॉर्डर है किसानों का जो बंद कर दिया गया है और उसके बाद जो है ये लोग गांव से निकल के यहाँ पर आए हैं। उसके बाद हमने किसानों से बात करी तो वो सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि हमारे आने से पहले यहाँ पे सीवर का पानी छोड़ दिया गया है। और एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं हुजूम जो है किसानों का यहाँ पे, कितने अलग अलग राज्यों से कम जो है हजार की ज्यादा तादाद में यहाँ पे जो है किसान मौजूद दिख रहे हैं और अपने जो मांगों को लेकर यहाँ पे एक बार फिर आए हैं। उसके बाद पहले से ही बैरिकेडिंग जो है लगातार कर दी गई है और सिर्फ 3 बजे तक का जो है इन्हें टाइम दिया गया है कि 3 बजे के बाद ये लोग प्रदर्शन अपना नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो पे, इस पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।